हेलो एवरीवन, हमारे सामने है एक लिमिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें लिमिट जो है वो एन टेंस टू इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी यूज़ करना नहीं आता ज़्यादातर बच्चों को। तो देखो, क्वेश्चन में दे रखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर के एन स्क्वायर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर अपॉन में एन क्यूब। तो सबसे पहले सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आपको याद होगा क्या होता है, 1 प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर के 3 स्क्वायर तक का जो सम है, एन स्क्वायर तक का जो सम है वो क्या होता है, एन एन प्लस वन 2n+1 अपॉन में 6। तो ये हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो आएगा एन एन प्लस वन 2n+1 अपॉन में 6 और होल अपॉन में एन क्यूब। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन से आपके पास ये स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो आया इसको मल्टीप्लाई कराओ, क्योंकि इन्फिनिटी के केस में ना आपको एफ एक्स अपॉन में जी एक्स क्वेश्चन के अंदर एक्स की मैक्सिमम पावर चाहिए होती है, उससे हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2n² प्लस का n प्लस का 2n+1 अपॉन में 6n² ठीक है जी। यहाँ पे 1/6 को हमने बाहर लिख लिया और एन स्क्वायर से इसको डिवाइड कराता हूँ, तो क्या आएगा 2n² अपॉन में एन स्क्वायर प्लस का एन और 2n 3n अपॉन में एन स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एन स्क्वायर ठीक है जी। अब देखो इससे कैंसिल आउट, इससे पावर कैंसिल आउट, तो आ गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/6, या आ गया 2 प्लस 3 अपॉन में n+1 अपॉन में n² ठीक है। अब एन टेंस टू अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/6, या आएगा 2 प्लस 3 अपॉन में इन्फिनिटी हो गया 0, और 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी इज 0। तो 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 1/3 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है जी।